नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। चाचौड़ा की निवर्तमान विधायक ममता मीना का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक प्राचार्य को धमकी देते हुए सुनाई दे रही हैं। आदर्श आचार संहिता के चलते 28 तारीख को मतदान होना है, जिसमें केवल 10 दिन ही शेष हैं। इस बीच चाचौड़ा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी ममता मीना का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह स्कूल के एक प्राचार्य को धमकी देती हुई सुनाई दे रही हैं। मामला यह है कि चाचौड़ा में विधायक पद की प्रत्याशी ममता मीना के पीए दरियाई मिडिल स्कूल के प्राचार्य को फोन लगाते हैं और अपना नाम पंकज श्रीवास्तव बताया। साथ ही प्राचार्य बाबूलाल को उन्होंने ये कहा कि इंदर सिंह नाम के व्यक्ति को अपनी शाला में पढ़ाने दे। इस पर प्राचार्य ने बताया कि इंदर सिंह की नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फाइल जमा हो चुकी है और दो लोगों की स्थापना स्कूल में पहले ही हो चुकी है। प्राचार्य ने यह भी बताया कि यदि इनको स्कूल में पढ़ाने के लिए रख भी लिया जाता है तो इनकी तनख्वाह कहां से आएगी। पंकज श्रीवास्तव दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जब दबाव कामयाब नहीं हो पाया तो उन्होंने फोन विधायक ममता मीना को दे दिया। विधायक महोदय से प्राचार्य बाबूलाल अहिरवार नमस्ते नहीं कर पाए, जिस पर ममता मीना भड़क गई। पहले तो उन्होंने उनके रहने का पता पूछा, इसके बाद बोली कि ऐसा नहीं जाएगा, तुम साले चपरासी हो और चपरासी और विधायक के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। विधायक यहाँ ही नहीं रुके, बल्कि प्राचार्य बाबूलाल को उन्होंने जमीन का एक कण मात्र बताया। इसके बाद गुस्से में विधायक महोदय ने चपरासी का संबोधन देकर फोन काट दिया। जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ, इसके तुरंत जवाब में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ममता मीना ने एक मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि ये उनकी आवाज नहीं है और ना ही उन्होंने इस तरह से कभी किसी से बात की। साथ ही इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये काम विपक्षी पार्टियों का है। साथ ही उन्होंने कहा कि आवाज की कॉपी करके ये ऑडियो तैयार की गई है। एक लाइन ममता मीना ने ये भी लिखी कि किसी की रिकॉर्डिंग करना संवैधानिक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये आवाज उस समय की विधायक ममता मीना की नहीं है तो उन्हें इस ऑडियो से क्या दिक्कत है, साथ ही संवैधानिक हित की बात क्यों कर रही हैं? वहीं ममता मीना ने यह दावा किया कि इस ऑडियो क्लिप का टेस्ट करवाया जाए और जो भी सच है सबके सामने लाया जाए। हेलो, बाबूलाल जी बात कर रहे हैं? हाँ। अरे बाबूलाल जी, पंकज श्रीवास्तव बात कर रहा था विधायक जी के यहाँ से। पंकज श्रीवास्तव? विधायक जी के यहाँ से बात कर रहा हूँ, अजगरी से। अजगरी से? हाँ बोलिए। और ये आपके यहाँ ये अतिथि शिक्षक थे, अपने 3 साल से काम कर रहे हैं, इंदर सिंह जी। हाँ। इनके पास डीएड भी है, 3 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो फिर इन्हें अभी रखने में क्या दिक्कत आ रही दोबारा? लेकिन सुनो, 2 जगह थी उसमें संख्या का कम है ना हमारे स्कूल में। और सुनो, संख्या जो 92 की, मेरा खुद हटने का चक्कर आ रहा है, क्योंकि 100 से कम पे हेडमास्टर नहीं रहता है। तो मैं हेडमास्टर हूँ, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ संख्या बढ़ा दूँ तो मैं रह पाऊंगा, नहीं जो है 2-4 महीने बाद मेरा भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आरटीई के अंदर का वो एक अलग बात है कि 100 पे हेडमास्टर रखते हैं, अतिथि शिक्षक में क्या दिक्कत आ रही है? तो आप दूसरे को रख रहे हैं ना, इसको नहीं रखते? नहीं नहीं, तो सुनो, इनकी फाइल आ गई थी और 10 तारीख थी, हमने जमा कर दी। ये तो पहले से काम कर रहा है ना आपके यहाँ पे? इनने नहीं, लास्ट ईयर 1 साल किया मेरे यहाँ बिराई मिडिल में, इनने 1 साल किया, इसके पहले दूसरी जगह काम पढ़ाते थे ये। और ये जो मनोज मेथिल है ना और रघुवीर बिजोरी, रघुवीर बिजोरी 5वां साल चल रहा, इनको 3रा चल रहा, और वो तो पिछले साल ही रहा मेरे यहाँ। और पिछले साल तो थे ना, आपने रख रखा था ना? हाँ मैंने रखा ना। और विधायक जी निर्देश है इनको ही रखना आपने कदम? तो निर्देश तो है विधायक जी की, लेकिन यह संख्या उतनी है ना, फिर तनख्वाह कैसे मिल पाएगी ना? तो इनकी हमने फाइल जमा कर दी, कर चुके हैं ना, और टेरा प्रस्ताव भी बना दिया हमने। वो मतलब नहीं है, जो पहले से आपके यहाँ कोई कार्य कर रहा है तो पहले उसे प्राथमिकता देना ना आपको। हेलो, हाँ विधायक जी से बात कर लीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। कौन बोल रहे हो? बाबूलाल अहिरवार बोल रहा हूँ, यहाँ बिरयाई से, मिडिल स्कूल से। पता नहीं किससे बात कर रहे हो? हाँ आपसे कर रहा हूँ, विधायक महोदय से। बोलिए, ऐसे बोल रहे थे? थोड़ा बहुत तमीज नहीं है क्या? बिल्कुल मतलब बदतमीजी की भी हद हो गई तुम्हारी। नहीं नहीं, आपसे तमीज से बोला मैं, आपसे आप कह रहे हैं ना। अरे ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो? बीनागंज के? नहीं मैं साने के रहने वाला हूँ। साने में कौन सी जगह के रहने वाले हैं? साने में जो भूमला गिड़ी तरफ रास्ता है ना, उधर है हमारा घर। वैसे मैं कुमराज जो है 15-16 साल से रहता हूँ। मतलब असर जाएगा नहीं? मतलब हाँ बोलिए, नहीं कि क्या विधायक कौन क्या है, तुम क्या साले चपरासी, जमीन आसमान का अंतर है विधायक में तुम में, जमीन आसमान का, जमीन का एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं हो, तो पहले समझ लो इस चीज को। हम क्या, आप कब कह रहे हैं हम क्या? नमस्कार वगैरह कुछ नहीं करोगे तुम, इतने बड़े हो साले चपरासी कह के, कुछ
अभी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहा अभी मैं देखती हूँ, मतलब जब अभी फोन करके पीए बता रहा उसको तुम ज्यादा मतलब वो कर रहे हो, ज्यादा अकल झाड़ रहे हो। अरे मैं आऊंगी, मैं एक दिन मैं आके देखती हूँ, और जब जब बात करूंगी तुम्हारे स्कूल में आके देखती हूँ एक दिन ढंग से, मैं आके बात करूंगी स्कूल में आके दौरे के दौरान। अरे स्वागत है आपका, बता रहा हूँ अमित चपरासी कही थे। डीजीआना न्यूज वायरल हुए ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। नगर में निकली खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा, शहर में आज खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में खाटू श्याम जी की मूर्ति एक रथ में विराजमान थी, जिसके जगह जगह भक्तजनों ने फूल बरसाकर स्वागत व पूजन किया। पुरानी मंडी में स्थित हनुमान मंदिर पर हुआ भव्य अन्नकूट का आयोजन, कल पुरानी मंडी में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें कि इन दिनों अन्नकूट का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। और भोजन के बाद में जिस प्रेम से जिस रुचि से अपन भोजन कर रहे हैं उसी रुचि से समापन होना चाहिए। फालतू में पत्तल में बिल्कुल भी जो बचाना रहे प्रसाद ही, और थोड़ा बहुत भूखा भी रहे प्रसाद में, तो थोड़ा बहुत भूख रही भूख भी रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में हो रहा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, महाविद्यालय की जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पीजी कॉलेज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें चंदेरी, मुंगावली, अशोकनगर, बीनागंज, राधोगढ़ आरोन, गांधी वोकेशनल कॉलेज एवं पीजी कॉलेज गुना की टीम हिस्सा ले रही है। यह प्रतियोगिता 17 तारीख से 20 नवम्बर तक चलेगी। सिर्फ 7 रन आए हैं अभी, वो भी 7 के 7 वाइड से, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी बॉल स्लिप गली, बॉल अच्छा सम्मान देते हुए बॉल को स्लिप करते। म्याना में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विशाल चुनावी जनसभा रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि मुकेश अहिरवार थे। अपने उद्बोधन में वे कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे, विकास न होने पर दोनों पर आरोप लगाया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने अपने भाषण में लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की और अपने चुनावी मुद्दों को लोगों के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो म्याना को नगर परिषद और म्याना में डिग्री कॉलेज बनवा देंगे। भाषण को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जनसभा के बाद उन्होंने पैदल पैदल रैली निकालकर सभी से उन्हें विजयी बनाने के लिए घर घर जाकर आशीर्वाद मांगा। और साथियों राजा के बाद जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता था, जो रानी के पेट से पैदा होता था, उसी को राजा जाने के बाद उसको राजगद्दी मिलती थी, लेकिन जनता को कभी मौका नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने गुरुओं महात्माओं के द्वारा जो महापुरुषों की विचारधारा थी उसके आधार पर इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना का जब सोचने का काम किया, तो साथियों ये भारत देश अंग्रेजों का गुलाम भारत था, इससे पहले ये अंग्रेजों के पहले ये गुलाम मुगलों का था, उससे पहले हुनों का था, शासकों का था, ये भारत देश कई बार गुलाम हुआ।
गरीब किसान नौजवान बेरोजगार साथियों उसकी हालत जहाँ की तहाँ है, उसकी हालत जहाँ की तहाँ है। इसलिए हमें सावधान होना है कि इस देश के अंदर जब वोट की ताकत आपको आती है तो 5 साल में आपको मौका मिलता है, और इन 5 सालों सोचा था म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उदासी आश्रम स्थित हनुमान मंदिर पर विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। उदासी आश्रम स्थित हनुमान मंदिर पर विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से पूर्व भगवान हनुमान को 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। इस भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। जितना चाहिए उतना ही है, झूठ ये प्रसाद है, आनंद बना जाने से इसको छुपा लो, थोड़ी सेवा कर लो भैया, ये मौके बार बार नहीं आते। प्रत्येक घंटे पर लगाया जाता है 27 बार भगवान की विशेष रूप से अन्नकूट का प्रसाद किया जाता है, और आरती भजन के द्वारा यहाँ आरती होती है। आरती में आनंद लेते हैं। मेरी सभी श्रद्धालुओं को उदासी वालों की ओर से आग्रह है, आप सभी 11 बजे तक यह भंडारा चलेगा, आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें। बाबा के आशीर्वाद सावन के डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।